गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कर रहे हैं कि प्रदेशों तक व्यापार, नेक्स्ट पार्ट हम इसमें करेंगे आज वार विद द मराठास, कि मराठों के साथ जो क्या है युद्ध। फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी आल्सो सोट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर, कि जो कंपनी ने किया है मराठा पावर को क्या है लेट 18th century की आखिर में ख़त्म कर दिया था लगभग। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, कि जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में उन्हें हराकर, द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड, कि जो मराठों का जो ड्रीम था, सपना था दिल्ली पर राज करने का, वो क्या है बिखर चुका था। दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स, कि वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो चुके थे अंडर डिफरेंट चीफ्स, कि अलग अलग उनके क्या है चीफ बन चुके थे बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। ये सब क्या है उनकी अलग अलग से क्या है क्लासेस बन चुकी थी। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडरेसी अंडर अ कॉन्फिडरेंसी होते संधि अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, जो क्या है उनका क्या है हेड बना जो पुणे पर आधारित था। महाजी सिंधिया एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सॉरी एंड नाना पानिस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लास्ट 18th century। ये दोनों क्या थे 18th शताब्दी के आखिर के जो फेमस क्या थे बहुत ही, जिन्होंने क्या है ये सब संभाला था। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स, इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782, जो पहला युद्ध जो क्या है 1782 में जो समाप्त हुआ विद द ट्रीटी ऑफ सेल्बाई, देयर वॉज नो क्लियर विक्टर, कि उसमें क्या है कोई भी जो जीत हुई थी जिसकी वो बिल्कुल भी साफ नहीं थी कि किसकी जीत हुई है। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो दूसरा जो एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ 1803 से 1805 तक, वॉज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, कि उन्होंने किस किस को जीत लिया था कि ओडिशा और टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ और यमुना नदी के साथ साथ क्या है आगरा और दिल्ली। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817 to 1819 क्रश्ड मराठा पावर, जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819 तक, उन्होंने क्या है मराठा शक्ति को क्या है बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। द पेशवा वॉज रिमूव्ड, पेशवा को क्या हटा दिया गया था एंड सेंट अवे टू बिथुर नियर कानपुर, कानपुर के नज़दीक बिथुर, वहाँ पे उसे भेज दिया गया था विद अ पेंशन, जिससे क्या है पेंशन के साथ उसे वहाँ पे भेज दिया था। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यस, जो कंपनी का क्या है पूरा उस पर क्या है अधिकार बन चुका था। द क्लेम टू पैरामाउंटसी, पैरामाउंटसी तो सर्वोच्चता, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century की जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही क्या है कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1830 to 1823, कि तब के टाइम में गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड हेस्टिंग थे 1813 से 1823 तक। ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, उन्होंने एक नई पॉलिसी लॉन्च की पैरामाउंटेसी, वॉज इनिशिएटेड, उन्होंने शुरुआत की। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स, कि इसकी क्या है पावर क्या है ज़्यादा थी इंडियन स्टेट के मुकाबले। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि मत सिद्धांत का पतन होना, लैप्स होता है किसी चीज़ का पतन होना। फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी के अंडर क्या हुआ, हु वॉज द गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड डलहौजी थे जो गवर्नर जनरल थे कब से कब तक 1848 से 1856 तक, ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की जो जिसे क्या है मत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि मत सिद्धांत का पतन होना।
द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट, इस मत सिद्धांत से क्या सिद्ध हो रहा था, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम विदाउट लैप्स, कि जब भी कोई अगर जो भी राज्य का कोई भी मेल अगर मरता है विदाउट लैप्स बिना पतन किए, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, वो कंपनी टेरिटरी का क्या है हिस्सा बन जाएगा, कंपनी का जो क्या है एक प्रदेश बन जाएगा. वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन. तो उन्होंने क्या है एक से दूसरे राज्य पर क्या है ऐसे ही कब्जा कर लिया, जैसे कि क्या है जो मत सिद्धांत की जो पॉलिसी थी उसके द्वारा क्या है उन्होंने ऐसे क्या है जगहों पर प्रदेशों पर जो राज्यों पर क्या है वो कब्जा करते गए. फाइनली इन 1856 में द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध, कि जो कंपनी ने क्या है अवध पर भी अपना कब्जा जमा लिया 1856 में. दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट, दे सैड दैट दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ नवाब, कि नवाबों से क्या है जो उनकी सरकार से क्या है लोगों को मुक्त कराने के लिए उन्होंने एक क्या है ऑब्लाइज बाय ड्यूटी का क्या है एक रूल निकाल दिया. सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, की एक नए एडमिनिस्ट्रेशन का सेट करना उसे. वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785, वाज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर, कंपनी की पावर को बढ़ाने के लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल, की कंपनी की पावर सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं थी, बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास. बॉम्बे और मद्रास में भी कंपनी की पूरी पावर थी. ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेजिडेंसीज, कि जो ब्रिटिश प्रदेश थे वो क्या है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्या है बड़े बड़े जैसे जगहों पर कब्जे कर लिए थे और उन्हें क्या है यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया था जिन्हें प्रेजिडेंसीज बोला था. देयर वर थ्री प्रेजिडेंसीज, तीन प्रेजिडेंसीज थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. From 1772 a new system of justice was established, कि न्याय का एक क्या है नया सिस्टम लागू किया गया. ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव टू कोर्ट्स, कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या है दो कोर्ट होते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट, एक तो क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट और दीवानी अदालत. मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु presided over civil courts. The criminal courts were still under a qazi, कि जो criminal courts थे वो क्या है काजी के अंडर थे, and a mufti but under the supervision of the collector, मगर क्या है collector का भी उनके ऊपर क्या है पूरा supervision, पूरा ध्यान था. Last में है conclusion. Thus the East India Company was transferred from a trading company to a territorial colonial power, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थे उसके ट्रांसफॉर हो पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था, कहाँ से कहाँ तक व्यापार से लेके प्रदेशों की उनके हाथों में क्या है पूरी पावर आ चुकी थी. द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी ने अर्ली 19th century आल्सो एडिड दिस प्रोसेस, कि जो नई स्टीम टेक्नोलॉजी थी वो भी क्या है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या है इस प्रोसेस में ऐड हुई थी. टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाई सी, कि पहले तो क्या है 6 से 8 महीने लग जाते थे ट्रैवल टू इंडिया, इंडिया आने के लिए बाय सी. स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम, जो स्टीम से चलने वाली भाप से चलने वाली शिप थी उन्होंने क्या है यात्रा का समय कम कर दिया टू 3 weeks, इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया, कि अपने देश से जैसे इंडिया आने के लिए उन्हें सिर्फ क्या है सिर्फ 3 हफ्ते लगते थे. बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि 63% तो प्रदेशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और 78% जो पॉपुलेशन थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की उन पर भी क्या है उनका पूरा अधिकार था. कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control, कि लगभग क्या है पूरे इंडिया को जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था. देन स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था, इसे आपने ध्यान से पढ़ना है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.